रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने शाम टाइल एंड सैनिटरी शोरूम के संचालक से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। वही फिरौती से मना करने पर बदमाशों ने शोरूम पर फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश शोरूम पहुंचे और शोरूम संचालक से 50 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की और रिमांड पूरी ना करने पर फायरिंग की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ऐसे में थाना प्रभारी ने बताया कि शोरूम संचालक की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। के आसपास ये जो घटना घटी है, फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तुरंत हमारी पुलिस टीम मौके पहुंची और कार्रवाई कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोषियों को किसी भी सूरत पे बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत पे दोषियों को स्पेयर नहीं किया जाएगा। कितना समय तक सर अरेस्ट कर लिए जाएंगे? पूरी टीम लगी हुई है, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी हम कार। रेगुलर वैसे चल रहा था तो क्लाइंटेज के बीच में जो कस्टमर होते हैं उसी के बीच में तीन बंदे अंदर एंटर हुए दुकान में एज ए कस्टमर। उन्होंने चेयर ली, बैठे और फिर बहाना किया कि पर्ची आ रही है और आपस में डिस्कस करने लगे कि पर्ची आ जाती है, सामान बताते हैं। आफ्टर दैट वो जैसे बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो वो बैठे, उन्होंने फिर मुझसे पीने का पानी मांगा। मैं अंदर अपने केबिन में था, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपने केबिन में हूँ, तो उन्होंने पीने का पानी मांगा तो मैंने बोला कि बाहर आउटसाइड है, आप पी लीजिए। सेकेंडली जैसे उन्होंने पीने के पानी के लिए, फिर उन्होंने कहा कि कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है। उन्होंने कहा केबिन के अंदर आने का रास्ता कहाँ से? मैंने कहा नहीं, बताओ क्या काम है।